हाँ जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे टॉपिक का नाम है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, राइट। हाँ जी, हमारे टॉपिक का नाम क्या है? जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, ठीक है। अब सर, सबसे पहला सवाल ये, सर ये टॉपिक जो है उसमें है क्या, है ना? हम क्या करना चाहते हैं, हमारा पर्पस क्या है, थीम क्या है, मीन्स हमारा इस चैप्टर के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। तो बच्चों पहले बताऊँ, मैं पहले बताना चाहता हूँ मैं आपको कि इस चैप्टर को बनाने की ज़रूरत क्या हुई, राइट। बच्चों सोचो, बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छा, हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करें तो उसकी कॉस्ट आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। क्यों कॉस्ट आइडेंटिफाई करते हैं? ताकि हम उस कॉस्ट के बेसिस पर सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकें, ताकि आप उस कॉस्ट के बेसिस पर सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई कर सकें। ऐसे होता है? अच्छा, तो कॉस्ट को हम इसलिए आइडेंटिफाई करते हैं ताकि सेलिंग प्राइस निकाले। बिना कॉस्ट को निकाले हम क्या सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं? बोलो नहीं। और इसके अलावा हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो जो प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं, उन सभी के सभी प्रोडक्शन में से हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी को प्रॉफिट कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नो डाउट, जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा होगा, हम उस पर नो डाउट ज़्यादा ध्यान देंगे। और साथ में अगर प्रॉफिट कम कंट्रीब्यूट कर रहा होगा तो उसके रीजंस को भी अंडर फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब हम हमेशा चाहते हैं कि नंबर वन, हर हर प्रोडक्ट के लिए हम लोग कॉस्ट आइडेंटिफाई करें, और ताकि हम लोग उस प्रोडक्ट का क्या आइडेंटिफाई कर सकें, यस प्लीज, सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई कर सकें। तो बच्चों ये हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है। अब सर ऑब्जेक्टिव तो अभी भी यही है, राइट। बट अब एक सिचुएशन सुनो बच्चों, इस सिचुएशन में एक इशू आएगा, इस इशू को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या इशू है सर? देखो, आपने जो है सपोज करो बनाना है सपोज करो घी, राइट। मुझे बताना घी कैसे बनेगा। तो घी भी छोड़ो, जो कि आपने नॉर्मल वे में घी कम देखा होगा, क्रीम बनानी है। क्रीम क्रीम कैसे बनेगी? पहले मिल्क लेंगे, राइट। और उस मिल्क को क्या करेंगे भाई, एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है अमूल, सबने सुना होगा, राइट। तो वो कौन से प्रोडक्ट बनाती है? ऑल दी मिल्क प्रोडक्ट्स, राइट। अब मिल्क बनाने वाली, मतलब मिल्क के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की अराउंड बहुत बड़ी कंपनी है ये, है ना। तो सेल्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, कितनी सेल होती होगी? अच्छा, कंपनी है या कुछ हो रही है? एट प्रेजेंट इट इज जस्ट ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, लिस्टेड अनलिस्टेड, कोई लिस्टेड का कोई प्रोविजन ही नहीं है, राइट। तो यह तो मतलब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और इतने सारे जगह पर इसके प्रोडक्ट जाते हैं, राइट। मैंने कहा इसने जो है क्या बनाना है, क्रीम। अब क्रीम बनानी है, अब क्रीम के लिए मिल्क लेके आएंगे, मिल्क को प्रोसेस करेंगे, राइट। क्या करेंगे इसको, हम लोग मिल्क को पेस्टराइज करेंगे, मतलब इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मथना ना, क्या बोलते हैं, राइट। तो इसके बाद फिर क्या होगा, नो डाउट क्रीम बनके तैयार हो जाएगी। पर क्रीम बनने के साथ साथ और क्या बन जाएगा, एक एक वेस्ट वेस्ट तो नहीं होता, पर एक और प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, लस्सी। लस्सी भी बनके तैयार हो जाएगी, राइट। अब कंपनी जो है वो क्या बनाना चाह रही थी, क्रीम। बन क्या गया, लस्सी भी बन गई, राइट। अच्छा, मार्केट में जब सेल करने जाएंगे तो क्या ये क्रीम ही सेल आउट होगी या लस्सी भी बिक जाएगी? दोनों बिक जाएगा, राइट। तो इसका मतलब है कि दोनों के दोनों हमारे प्रोडक्ट जो है वो काम के हैं, और दोनों के दोनों प्रोडक्ट मार्केट में सेलेबल हैं, राइट। अच्छा, तो अब मुझे बताओ, मैंने सपोज करो मिल्क के अंदर यहाँ पर कॉस्ट हमारी खर्च हो गई है 1000 रुपये की, राइट। इसको मथने की, यानी कि हमने बाकी प्रोसेसिंग कॉस्ट में 500 रुपये और लगा दिए हैं, टोटल मेरा खर्चा हो गया है 1500 का। अब इस 1500 के खर्चे में मैंने कुछ क्रीम बना दी, मैंने क्रीम बना दी सपोज करो 5 किलोग्राम, और ये लस्सी बना दी सपोज करो 10 किलोग्राम, राइट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे बताओ, 1500 रुपये के खर्चे में से क्रीम के रिलेटेड खर्चा कितना है और लस्सी से रिलेटेड खर्चा कितना है? वेरी डिफिकल्ट,
इट्स अ वेरी डिफरेंट। अगर बच्चों डिफिकल्ट है तो बच्चों सोचो अगर हम लोग इस 1500 को, अच्छा बांटना चाहिए इन दोनों में या किसी एक में? दोनों में बांटना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट जो बन के तैयार हुए हैं ये तो दोनों के दोनों ही मार्केट में सेल आउट होने जा रहे हैं, तो बांटना तो दोनों में चाहिए। बट सर किस रेशो में बांटना चाहिए, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, राइट? तो अगर हम एक्चुअल बोलूं तो पता नहीं लगा सकते, पता नहीं लगा सकते, राइट? बट सर हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कुछ रूल्स बना रहे हैं, कुछ बेसिस आपको क्रिएट करके बता रहे हैं। हम उन बेसिस पर इस कॉस्ट को इन दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट? आई रिपीट, इस कॉस्ट को हम बोलते हैं, इस कॉस्ट को हम बोलते हैं ज्वाइंट कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट क्यों है ये? क्योंकि दोनों के लिए है, ज्वाइंट मतलब इकट्ठी एक साथ। तो हमने जो ज्वाइंट कॉस्ट का खर्चा किया वो 1500 का है। अच्छा एक पॉइंट ऐसा आ गया, एक पॉइंट ऐसा आ गया जिस पॉइंट पर हमारे एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि दो प्रोडक्ट अलग अलग बन के तैयार हो गए, राइट? और जिस पॉइंट पर ये अलग अलग प्रोडक्ट बन के तैयार हो गए ना, इस पॉइंट को हम बोलते हैं स्प्लिट ऑफ, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। क्या बोलते हैं? स्प्लिट ऑफ। स्प्लिट मतलब इस पॉइंट पर अलग अलग हमारे प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गए हैं, अलग अलग हो गए, राइट? अच्छा जो खर्चा इस स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले का है उसको हमने क्या बोला? ज्वाइंट कॉस्ट। इसको हम प्री स्प्लिट ऑफ कॉस्ट भी बोलते हैं, प्री स्प्लिट ऑफ कॉस्ट, राइट? अच्छा जो खर्चा इसके बाद का है उसको क्या बोलेंगे? पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट, पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट, राइट? अगर मान लो हमने क्रीम बना के तैयार कर दी है, लस्सी बना के तैयार कर दी है, उसके बाद उसकी मार्केटिंग के अंदर खर्चा किया, उसको फेमस करने में खर्चा किया, पैकिंग की, तो ये जो खर्चा है ये कौन सा खर्चा है? कॉस्ट, पोस्ट स्प्लिट ऑफ। अच्छा पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना आसान है मुश्किल है? वो तो आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि वो तो स्पेसिफिकली हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ही खर्च होगा। अब मेनली हमें जो ये ज्वाइंट कॉस्ट है ना, इस कॉस्ट को बांटना है, किसमें बांटना है? डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में जो कि हमने प्रोड्यूस किए हैं। अब वो बांटे क्या कैसे? अब बच्चों इसके इसके लिए हमने आपको आपको कुछ मेथड बताने हैं, राइट? मेथड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या बोला? ज्वाइंट कॉस्ट। मेथड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, तो वो मेथड जो कि हमारे ज्वाइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होंगे, राइट? उनमें से कुछ मेथड हैं तो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डेट इज, फर्स्ट इज फिजिकल यूनिट मेथड। क्या बोला मैंने? फिजिकल यूनिट मेथड, या इसको हम इनपुट, फिजिकल इनपुट मेथड भी बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं यूनिट कॉस्ट मेथड, एक ही बात है, यूनिट कॉस्ट मेथड, राइट? उसके बाद नेक्स्ट मेथड इज सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मेथड, एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड। एक और होता है दैट इज कॉल्ड रिवर्स कॉस्ट मेथड, राइट? एक होता है डेट इज कॉल्ड नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, राइट? एक और मेथड होता है डेट इज वेटेज मेथड, राइट? और पर मेथड तो और भी है, बट सर हमारे जो मेन मेथड है वो ये चार है, राइट? अब जो ये चारों के चारों मेथड नो डाउट अलग अलग है, जब अलग अलग मेथड है तो इनसे जो आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो भी सेम आएगा या अलग अलग आएगा? ऑब्वियसली अलग अलग ही आएगा, राइट? बच्चों देखो एक्चुअल तो मैंने आपको पहले से ही बोला कि 1500 रुपये को कितना क्रीम में खर्च हुआ और कितना लस्सी में खर्च हुआ, ये आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल है, राइट? जब आप खर्चा ही कॉमन कर रहे हो तो उसको अलग अलग बांट कैसे सकते हो? बांट ही नहीं सकते, राइट? बट उसके बावजूद भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बेसिस ले रहे हैं। हमने कहा फिजिकल यूनिट मेथड, सेल्स वॉल्यूम मेथड, रिवर्स कॉस्ट मेथड, नेट, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड जो है वो कुछ ना कुछ एज्यूम करेंगे। अगर एजम्पशन के बेसिस पर आप अमाउंट को, कॉमन कॉस्ट को बांट रहे हैं तो हम लोग इसको, ये जो अमाउंट आएंगे वो अमाउंट सेम नहीं आएंगे। अच्छा ज्वाइंट कॉस्ट के लिए मैंने एक नंबर, एक नाम और यूज किया,
कॉमन कॉस्ट, कॉमन कॉस्ट ना। अच्छा मान लो आपने इन मेथड से जो है ज्वाइंट कॉस्ट 1500 को दो हिस्सों में बांट भी दिया, तो इससे क्या होगा? आपने जब कॉस्ट आइडेंटिफाई कर लिया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्रीम में कॉस्ट कितनी है, लस्सी में कॉस्ट कितनी है, तो आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो? सेलिंग प्राइस। और साथ ही साथ आपका दूसरा काम क्या होगा? हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करना। जब आप प्रॉफिट आइडेंटिफाई करोगे हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग, तो भी आपको कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो वो कॉस्ट फाइंडिंग करने के लिए हमने कहा हमारे पास कौन सा मेथड है? वी हैव दिस फोर मेथड्स। आई थिंक क्लियर। तुम ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने का काम बेसिकली ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट चैप्टर में करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाने वाले हैं। इसके अलावा एक और काम करने वाले हैं, दैट इज डिसीजन मेकिंग, राइट? मेनली तीन काम है, राइट? व्हाट टू डू इन दिस चैप्टर, मेनली तीन काम। नंबर वन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, हाँ जी, ज्वाइंट कॉस्ट एंड इनकम स्टेटमेंट। फॉर ईच प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग। और तीसरा क्या बताया आपको मैंने? डिसीजन मेकिंग। तो बच्चों बेसिकली ये तीन काम हमारे पास इस चैप्टर में हमारे पास होंगे, राइट? सो कैन वी स्टार्ट? राइट। तो पहला मेन काम क्या है हमारा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट से भी पहले एक छोटा सा और मैं काम करता हूँ। देखो तो हमारे चैप्टर का नाम है ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, राइट? अब ये ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या होता है और ये बाय प्रोडक्ट क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है? देखो जैसे कि अभी हम आपके साथ बात कर रहे हैं कि एक एक तो क्रीम प्रोड्यूस हुई और एक लस्सी प्रोड्यूस हुई, राइट? अब इसमें से हाईएस्ट वैल्यू किसकी है? क्रीम की। और लोएस्ट वैल्यू किसकी है? लस्सी की, राइट? अब आप क्या ये कह सकते हो कि कंपनी की इंटेंशन लस्सी बनाने की है? नहीं, कंपनी की इंटेंशन तो क्रीम बनाने की है, बट लस्सी की तो बन के तैयार हो गई, राइट? तो बच्चों अगर ये सिचुएशन है तो हम कहेंगे दैट लस्सी इज द बाय प्रोडक्ट एंड क्रीम इज द मेन प्रोडक्ट। बट सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक कॉमन प्रोसेस से जो गुड्स बन के तैयार होते हैं उनकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है। मैंने कहा सर आपने क्रूड ऑयल समझते हो, कच्चा तेल, इसको प्रोसेस किया, उसके से बन क्या गया? डीजल। एंड मैंने कहा ग्रीस भी बन गई, ग्रीस। अब पेट्रोल और डीजल की वैल्यू जो है मार्केट में जब बेचने चाहेंगे तो क्या कैसी है? हाईएस्ट, बट है तो ज्यादा, बट सर वो बहुत बहुत कम नहीं है। अगर मैं ग्रीस की बात करता हूँ तो बहुत कम है। तो हम क्या कहेंगे कि सर ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट हमारे ज्वाइंट प्रोडक्ट है और इसको हम क्या बोलेंगे? बाय प्रोडक्ट। अगर देखा जाए तो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, सबके लिए कॉमन प्रोसेस ही चल रहा है और सबके लिए जो प्रोडक्शन बन के तैयार होता है एक इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? स्प्लिट ऑफ पॉइंट। बट सर अगर आपके पास जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुए हैं उनमें से कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू, सेल वैल्यू बहुत बहुत रेयर मतलब कम है, तो इस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे बाय प्रोडक्ट और बाकी प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? ज्वाइंट प्रोडक्ट। आई थिंक क्लियर। ओके तो बच्चों अगर आपको ये सब समझ आ गया है तो अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। और हमारा टॉपिक क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ज्वाइंट कॉस्ट बिटवीन ऑल द ज्वाइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स। अब करेंगे कैसे सर? पहला मेथड क्या क्या नाम दिया था मैंने? फिजिकल यूनिट मेथड, राइट? अच्छा नाम से क्या फील आ रहा है? नाम से मतलब फील आ रहा है कि हम लोग क्या करेंगे कि जो भी कॉमन कॉस्ट होगी ना, लाइक मैंने कहा कॉमन कॉस्ट अभी हमने 1500 ली थी, 1500 ले लेते हैं। इससे दो प्रोडक्ट बनके तैयार हुए थे, कौन कौन से? क्रीम एंड एंड लस्सी। और इसकी हमने क्वांटिटी ली थी, कितनी ली थी? 5 किलोग्राम और यहाँ पर 10 किलोग्राम। हमारा ये मेथड कहता है सर ये जो कॉमन कॉस्ट है ना,
फिजिकल यूनिट यानी कि जितने भी क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्शन हुई है उस क्वांटिटी की रेशो में बांट दो, उस क्वांटिटी की रेशो में इस कॉस्ट को बांटे। तो बच्चों अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा कि सर हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, लाइक वी हैव प्रोडक्ट क्रीम एंड लस्सी एंड क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी कौन कौन सी है, इट्स 5 kg एंड 10 kg, राइट। और इसको हमें शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, सो इट विल बी 1500 × 5/15, टोटल कितना है 15, 5/15, और इधर 1500 × 10/15 कितना हो जाएगा 500, और इधर कितना 1000। तो 1500 रुपये का अमाउंट आपने इस तरह से दोनों में बांट दिया, इधर क्लियर। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से हम रेशो निकाल लें, यहाँ से रेशो क्या है 1:2, तो 1500 का अमाउंट जो है वो 1:1/3 एंड एक ही बात है या अलग अलग बातें, एक ही बात है। या हम एक काम और भी कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं कि हम लोग पहले हम लोग क्या करें कि ज्वाइंट कॉस्ट पर यूनिट निकाल लें, लाइक आपके पास जो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट है डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट, ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है 1500 के और टोटल आउटपुट कितना है, तो आ जाएगा 100 रुपये, 100 रुपये क्या पर केजी। और फिर से आपके पास जो है दो प्रोडक्ट हैं, दो प्रोडक्ट कौन कौन से, यस प्लीज, हाँ अब हमने कहा सर क्वांटिटी कितनी कितनी है, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम, एंड कॉस्ट पर किलोग्राम या इसको कहो ज्वाइंट कॉस्ट पर किलोग्राम, ये निकाल दिया हमने 100 और 100, टोटल फाइंड कर ले 500 और 1000, टोटल कितना हो जाएगा वही आ जाएगा नहीं। तो मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, मतलब एक ही बात है ये तीनों के तीनों एक ही बात, बच्चों ध्यान से सोचना, कैलकुलेशन करने का डिफरेंस है, अदरवाइज बिल्कुल एक ही है, इज इट क्लियर। बट बेस्ड ऑन दिस वी हैव अ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.1, आप कर एक क्वेश्चन रीड करो। हाँ जी बच्चों क्वेश्चन रीड करो, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, हाँ जी हाँ जी, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द ज्वाइंट प्रोडक्ट ए बी एंड सी अंडर द एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड मतलब यही फिजिकल यूनिट मेथड। तो आपके पास प्री सेपरेशन पॉइंट कॉस्ट इज ₹30,000, ये क्या चीज है ज्वाइंट कॉस्ट, एंड द ऑर्डर अदर प्रोडक्शन डेटा इज एक्स वाई जेड, वी हैव द यूनिट्स प्रोड्यूस 1400 और 600, राइट। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, तो शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट निकालना चाहते हैं। तो आपके पास जो जो प्रोडक्ट है ना वो लिख लेते हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, एक्स वाई एंड जेड, और इनकी जो क्वांटिटी है वो लिख लेते हैं, वो कितनी है 1400 और 600, टोटल कितना 2000, एंड देन शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, ज्वाइंट कॉस्ट का अमाउंट कितना है 30,000, इट विल बी लाइक दिस 1000 / 2000 एंड देन 30,000 × 400/2000 कितना आ जाएगा 15,000, नहीं नहीं हाँ 15,000। नेक्स्ट एंड देन आई थिंक इजी, कॉपी करेंगे, हाँ जी नहीं करेंगे, कॉपी कीजिए।